प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने योगा दिवस पर योग भी किया और इससे पहले पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को यूएन हेडक्वार्टर के नॉर्थ लॉन में श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस दौरान एक बेहद दिलचस्प तस्वीर हमें देखने को मिली। आम तौर पर यह देखा गया है कि भारत में किसी को भी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए व्यक्ति जूता या चप्पल उतार देता है। जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उन्होंने स्वेच्छा के साथ अपने जूते खुद, आपको तस्वीरों में ये दिखाई भी दे रहा होगा। लेकिन इसके बाद की जो अच्छी बात है वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल पीएम मोदी बिना जूते के वहां पहुंचते हैं महात्मा गांधी की मूर्ति पर और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। लेकिन उसके अलावा पीएम मोदी के साथ कई और भी हस्तियां मौजूद थी। ये देखते हुए कि पीएम मोदी ने अपने जूते उतार दिए हैं, उन व्यक्तियों ने भी, उन शख्सियतों ने भी अपने जूते और चप्पल उतार दिए। और ऐसा करने वालों में दो बेहद खास शख्स भी थे, जिसमें एक यूएनजीए के प्रेसिडेंट शाबा कैरोसी और दूसरे मेयर एडम थे। इन दोनों ने भी अपने जूते स्वेच्छा से उतारे और उसके बाद महात्मा गांधी की मूर्ति पर फूल अर्पित किए और अपनी श्रद्धांजलि दी। आप पहले ये वीडियो देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारत में जिस तरह से हर किसी का सम्मान होता है और जो रीति रिवाज और संस्कृति का पालन किया जाता है, उसका इंपैक्ट अब दुनिया के दूसरे बड़े विश्व नेताओं पर भी हो रहा है, जो बड़े बड़े कमेटियों के अध्यक्ष हैं उन पर भी हो रहा है। और यही कारण है कि दुनिया के दूसरे देशों के जो अतिथि थे इस मौके पर, वो भी अपने जूते उतारकर फूल अर्पित करने मूर्ति के पास पहुंचते हैं। इन तस्वीरों को देखने वाले लोग काफी हैरान रह गए और ये वाकई में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है कि खूब दिल खोल के भारत के रीति रिवाज को दुनिया के दूसरे देश के लोग जो हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए भारत तक।